नमस्ते सभी को। बहुत सुंदर सड़क जा रहा है, आप सोच रहे होंगे शायद अरुणाचल का ही सड़क होगा, और हाँ बिल्कुल सही है, ये बोमडिला हेडक्वार्टर है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। लेकिन हम आपको ये लोकेशन इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा चीज़ है, और आपको भी जानकारी के लिए हम थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बताना दिखाना चाहते हैं कि ये लोकेशन जो है ये BCT रोड है, बालीपाड़ा चारद्वार टवांग रोड। यहाँ से जो डिस्टेंस है दिरांग 45 किलोमीटर और टवांग 181 किलोमीटर। और फिर हम यही माइलस्टोन को जब दूसरा तरीका से देखते हैं तो यहाँ से दिखा देता है कि तेजपुर 158 किलोमीटर और बालुकपुंग जो है अरुणाचल असम बाउंड्री में जो लगा हुआ है चेकगेट जो 100 किलोमीटर। तो बहुत अच्छा लोकेशन है, और ये बीच में जो है हमारा जो वेस्टर्न पार्ट, ये ऑलमोस्ट ये वेस्टर्न पार्ट है अरुणाचल का। और यहाँ पर इसलिए हम खड़ा है कि यहीं पर ये सामने में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये बिल्डिंग्स है, काफ़ी अच्छा सुनहरा नया नया बिल्डिंग है, एक बस भी खड़ा है दिखाई दे रहा है, एक गेट है। और इस तरफ जब हम देखता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक ब्लॉक गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, और इधर फिर है वेलकम टू गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला। तो ये अपने आप में एक यूनिक जगह है, और ये सड़क इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि यहाँ पूरा पब्लिक का गाड़ी को लेकर के, डिफेंस का गाड़ी को लेकर के सब गाड़ी यहाँ चलते हैं। और ये बालीपाड़ा चारद्वार रोड है, और एक इम्पोर्टेंट रोड है जो चाइना तक जाता है बुमला होते हुए, और भी काफ़ी फ्रंट्स है जहाँ 1962 का वार हुआ था। और ये अच्छा, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट जगह है बोमडिला, जो बहुत पुराना शहर है अरुणाचल प्रदेश का। तो हम आगे जाके देखते हैं कि ये बोमडिला जो कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, आपको हम बता दें कि 87 में मतलब बहुत कम कॉलेज हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश में, अभी भी ऑलमोस्ट आप पकड़े तो दो दर्जन ही कॉलेज होता होगा, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और अरुणाचल यूनिवर्सिटी भी एक बनने जा रहा है, होने जा रहा है पासीघाट में। तो एजुकेशन सिनेरियो अरुणाचल प्रदेश का भी विकास होते जा रहा है, विकास होता है, डेवलप हो रहा है, स्टूडेंट का रेशियो भी बढ़ रहा है, पहले का हिसाब में अभी काफ़ी है, और एजुकेशन का जो सिनेरियो है अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी बढ़ रहा है, और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ बढ़ रहा है। और इसलिए आपको हम ये भी याद दिला दें कि 2021 और 22 पूरा अरुणाचल के लिए ईयर ऑफ एजुकेशन का डिक्लेयर किया था अरुणाचल गवर्नमेंट। तो ये भी एक हम मान सकते हैं कि ये भी एजुकेशन का एक अपग्रेडेशन का एक पार्ट है, जो बोमडिला कॉलेज जो पुराना कैंपस से नया कैंपस में आया है। लेकिन यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है, और ये क्या कमी है हम सबको तो नहीं पूछ सकते, कम से कम प्रिंसिपल को बात सकते हैं, कम से कम प्रिंसिपल को बात करेंगे, मिस्टर फोनसो जो हैं अभी हाल में जो टेक ओवर किया प्रिंसिपल का चार्ज, हम उनसे ही बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या कमी है, और सरकार को अभी और भी कुछ करना है तो सरकार कब करेगी, और ये बोमडिला कॉलेज को प्रमोशन को, अपग्रेडेशन को, और जो फैसिलिटीज़, काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ चाहिए। हम देखा यहाँ का जो सड़क का हाल बहुत ख़राब है कॉलेज का, ये सड़क ज़रूर अच्छा लग रहा होगा लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो काफ़ी ख़राब है, इसलिए उसको भी ठीक ठाक करना पड़ेगा, और भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ है जो देना है, इसलिए हम प्रिंसिपल को ही बात करेंगे, और यदि होता है तो सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि, और यहाँ में काफ़ी लोग हैं MLA लोग हैं जो अपने तरफ से भी आप कुछ ना कुछ कॉलेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको भी रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा परस्यू करके ये कॉलेज को और अपग्रेड किया जाए और प्रमोट किया जाए, ताकि यहाँ का बच्चा अरुणाचल का एक शान करे और नेशनल और इंटरनेशनल एरिना में भी कुछ नाम कमाए। हम बात करते करते हम प्रिंसिपल साहब को भी मुलाकात हो गया, सर क्या नाम है सर? फुनसो, डॉक्टर ताशी फुनसो, डॉक्टर ताशी फुनसो है, यहाँ कॉलेज यहीं थे पहले, और अभी शायद इनको प्रमोशन होकर के अभी प्रिंसिपल हैं, यहाँ प्रिंसिपल चार्ज में लिया, हाल में चार्ज लिया ना सर आपने? 3 महीना हुआ इनका, 3 महीना हुआ, तो इनको इतना एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं देखते होंगे, तो फिर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, फिर भी जब चार्ज लिया तो इनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा बढ़ गया, और उनको भी बहुत काम करना पड़ेगा। सर कैंपस ऑलमोस्ट लगता है कि 2 साल होने को है ना सर? यस ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। तो अभी कैंपस का स्टेटस क्या है सर, और कॉलेज में हम तो देखा ऑलमोस्ट सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमी है सर? कमी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग विंटर रिसेस चल रहा है, तो जिस तरह से हम लोग कैंपस में जो कैंपस लाइफ है, वाइब्रेंट लाइफ जो होता है, इस बार नहीं है क्योंकि स्टूडेंट लोग घर गए हुए हैं, स्टाफ लोग भी छुट्टी में है सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर आप खुद ही आपने आँख से देखा है कि हम लोगों का जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट फ्रॉम बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, आपका ऑडिटोरियम, क्वार्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड ग्राउंड हुआ, रोस्ट्रम हुआ, ओपन एयर जिम, इंडोर जिम,
सभी हम लोगों का पास में कंपेरेटिवली हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस इनफ एडिक्वेट ऑफ कोर्स थिंग्स कैन बी इम्प्रूव फर्दर बट वी फील दैट वी कैन रन ए कॉलेज रन द कॉलेज विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर यस सर हम फिर भी यहाँ आपका पीछे में देख रहे हैं शायद ये एकेडमिक ब्लॉक है शायद जी पिलर का पोर्शन अपग्रेडेशन का दिया हुआ है लेकिन शायद कमी है शायद इसलिए दिया हुआ है कंप्लीट नहीं हुआ है ना नहीं सर जो पहले का जो एलोकेशन था उसमें दो स्टोरी जो बनना था बन गया लेकिन उसके ऊपर फाउंडेशन ज़्यादा दिया हुआ है कि फ्यूचर में और कंस्ट्रक्शन होने के लिए इसको ऑप्शन खुला रखा है सर इसलिए आप ऊपर से देख रहे हैं तो ग्रे ग्रे देख रहे हैं ना सर इसलिए इनका कहना है कि प्रोविजंस छोड़ के रखा हुआ है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए लेकिन हमको नहीं लगता है कि प्रोविजंस ये ज़रूरत होगा इसीलिए यहाँ ज़रूरी है जरूरी। और यहाँ सर सड़क का हाल तो बहुत ख़राब है मैं देखा हाँ, आपका कैंपस तो, के अंदर का हाँ तो सर जो सड़क जो है आपका आप खुद बोला तीन तरह का सड़क है ना एक तो ये आपका BCT रोड जो है लिंक कॉलेज के लिए ना और सेकंड वाला सेराबस्ती से जो लिंक होता है एक रोड है वो भी अच्छा है सर लेकिन कॉलेज के अंदर में जो कैंपस के अंदर में जो रोड है जो कॉलेज का बॉटम पॉइंट से लेकर टॉप पॉइंट तक रन करती है सर वो अराउंड 13-14 साल पहले बना तो उसके बाद ब्लैक टॉपिंग ख़त्म हो गया है और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से वो अभी ब्लैक टॉपिंग का एब्सेंस आप दिख रहा है सर जी और उसमें ड्रेनेज का भी कमी है सर थोड़ा ड्रेनेज भी बनना है टाउन से थोड़ा सा डिस्टेंस है ये एरिया जो जी है। जी जी तो स्टूडेंट्स लोगों को फैकल्टी लोगों को टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ लोगों को आने का व्यवस्था कैसा है सर ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस था टाउन से हम लोग कितना दूर है और हॉस्टल में पूरा एकोमोडेट नहीं होता है तो हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन है ऑनरेबल सब डिस्कस किया और ऑनरेबल CM साहब भी यहाँ आए थे इनोग्रेशन के लिए किरण रिजिजू सर और एजुकेशन मिनिस्टर सर और तमाम अधिकारीगण आए थे तो वहाँ पर हम लोगों को अपना एलुमनाई कुमसी ऑनरेबल कुमसी सर उन्होंने एक बस डोनेशन दिया CM मैडम एज एलुमनाई एक बस डोनेट किया और गवर्नमेंट की तरफ से एक बस दिया गया नया ऑलरेडी पुराना एक बस था तो टोटल हम लोग के पास 4 बस रनिंग बसेस है सर अभी लेकिन जहाँ तक हमको जानने को मिला है कि 4 बस है लेकिन 4 ड्राइवर नहीं है कैसे चलाते हैं सर आप लोग तो उसमें सर हम लोग आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मिनिमम बर्डन देते हुए हम लोग एक कमिटी बना के वर्कआउट किया तो स्टूडेंट लोग से 300 रुपीज़ पर मंथ लेकर के हम लोग उसको फ्यूल एंड जो ड्राइवर अपॉइंट किया है टेम्प्ररी उनको हम लोग पेमेंट देते हैं सर इस तरह से हम लोग इन एडिशन टू व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग फ्रॉम द एलुमनाई एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड वी आर मैनेजिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन दिस वे सर सर स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस है कितने स्टूडेंट्स हैं क्या क्या सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाते हैं हम लोगों का सर और सर फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ का सर, सुनने में आया कि वो भी कमी है आपका सर सर, सर जी 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 सर तो सर हम लोगों का स्टूडेंट्स अराउंड 760 स्टूडेंट्स था तो उसमें से 745 ऐसे एग्ज़ाम अपीयर हुआ इस बार एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में हम लोग का पास में एक UDC है एंड देन हम लोग को अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट श्री क्षेत्रीय राजू को यूज़ कर रहे हैं सर और ये हम लोग डायरेक्टोरेट में इसका इंफॉर्मेशन है और उनका एश्योरेंस है कि एज सून एज न्यू अपॉइंटमेंट इज डन दे विल पोस्ट वन अकाउंटेंट टू द कॉलेज एंड फैकल्टी मेम्बर्स का शॉर्टेज का जहाँ सवाल है तो पूरा स्टेट में जो जो पेंडिंग है रिक्रूटमेंट का उसका वजह से हो रहा है हम जहाँ तक जान रहे हैं क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हम लोग का सेमेस्टर सिस्टम आया एंड देन उसमें CBCS वाला जो फ्रेमवर्क है इम्प्लीमेंट होने के बाद नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ गया है तो उसमें ऑब्वियसली हर यू नो डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड फैकल्टी मेम्बर्स इंक्रीज हुआ है सर तो हम लोगों का उस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा शॉर्टेज है फैकल्टी मेंबर्स बिल्कुल हाँ इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अब प्रिंसिपल साहब को मानना पड़ गया कि यहाँ शॉर्टेज है कि शॉर्टेज इसलिए हम खुद भी देखा कि एक दूसरा स्टाफ जो दूसरा का काम कर रहा है ये अच्छा बात है मदद करना है काम को ख़त्म करने के लिए लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपना काम छोड़ के दूसरा का काम में हाथ बटाते रहे ड्राइवर नहीं है ड्राइवर का मैनेजमेंट कर रहे हैं ये भी एक तरीका है आजकल बोलते हैं ना हम लोग गिव बैक टू ऑन सोसाइटी शायद यही उनका मैनेजमेंट है एलुमनाइज जो है पेमा खांडू साहब का वाइफ यहाँ का एलुमनाइज है हमारा ऑनरेबल MLA कुमसी सिद्दीचो उनका दोनों का तरफ से एक एक बस दिया गया है और जहाँ तक हम ये आपको बता दें कि शायद इस साल से ये कॉलेज जो है ऑनलाइन एडमिशन करने का प्रोसेस में है और ये भी एक तरीका है और एक मोटिवेशन है एक इम्प्रूवमेंट है और टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन को ये कोशिश कर रहे हैं कि लेके चले लेकिन हकीकत तो ये है कि इनका पास स्टाफ का शॉर्टेज है
टीचिंग फैकल्टी का शॉर्टेज है, नॉन टीचिंग का फैकल्टी का शॉर्टेज है, बस तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, ये भी आपको हम बता दें। पानी है, बिजली है, सड़क को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूर किया है, अच्छा किया है, और शायद और भी आगे होगा क्योंकि 750 स्टूडेंट्स हैं, उस रेशियो का हिसाब से फैकल्टी और टीचिंग स्टाफ्स का सब कुछ का ज़रूरत है। ये बोमडिला कॉलेज है, वेस्ट कमिंग का एक जान है, पहचान है, और जाके फ्यूचर में ये नाम भी कमाएगा, और ये एक नाम दिलाएगा, इज्जत दिलाएगा, और यहाँ का बच्चा कुछ ना कुछ अरुणाचल के लिए, देश के लिए काम करेंगे, ऐसा हम चाहते हैं। और भारत अरुणाचल सरकार को भी, खांडू साहब का जब उनका वाइफ खुद का यहाँ एलुमनाई है, तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे, उनको भी अपील करेंगे कि सर यह आपने बस तो ज़रूर दिलवाया मैडम का तरफ से, यहाँ का सड़क भी बनवा दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ के बच्चों लोगों को आने जाने का सुविधा का सामना ना करना पड़े और दुख तकलीफ ना हो।